नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ साहब के संबंध में हुए मिमिक्री। पहली बार लोकसभा और राज्यसभा से इतनी बड़ी संख्या में 143 सांसद निलंबित हुए। दिनांक 19 दिसंबर 2023 को संसद भवन परिसर में निलंबित सदस्य लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के माननीय सांसद श्री कल्याण बनर्जी ने एक मिमिक्री की जो महामहिम उपराष्ट्रपति जी के संबंध में थी। मुझे लगता है कि चूंकि संसद में भी या संसद के बाहर भी हम लोगों ने बड़े बड़े लोगों के संबंध में मिमिक्री को देखा है, नहीं लगता था कि ये मामला इतना ज़्यादा बड़ा बनाया जाएगा। महामहिम राष्ट्रपति जी ने महामहिम ऊपर ने जो बातें सदन में कहीं उससे ये एक मैसेज गया कि वो इस मिमिक्री को जोड़ रहे हैं न केवल उपराष्ट्रपति पद के अपमान से वरन किसानों के अपमान से, जाट समाज के अपमान से। मुझे लगता है कि संवैधानिक इस उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की बात से परहेज करना चाहिए था। मैंने एक दिन एक वीडियो देखा श्री रविश कुमार जी का, जो अपने वीडियो में यह कह रहे थे इसी कॉन्टेक्स्ट में कि महामहिम उपराष्ट्रपति जी विगत 13 महीनों में 17 बार राजस्थान गए। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे जिसकी गिनती 3 दिसंबर को हुई। किसी भी बड़े पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से, जिनसे ये निश्चित तौर पर पूरा देश ये जान समझता है कि इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को कोई भी ऐसी चीज़ से परहेज करना चाहिए जिससे कि कोई पक्ष उंगली उठाए। चूँकि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इशारा किया था, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है जब इनका कार्यकाल राज्यपाल के रूप में था पश्चिम बंगाल में, जब तक वहाँ रहे तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच सदा विवाद होते रहे और पूरा देश इसे देखता रहा। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा एक भारतीय नागरिक के रूप में कि महामहिम उपराष्ट्रपति जी को इस इश्यू को, चाहे जो भी, अगर कोई विधिवत अगर कोई कार्रवाई बनती है तो वो देखना चाहिए था, वहाँ तक ठीक था, लेकिन इससे किसान समाज के अपमान और जाट समाज के अपमान से जोड़ा जाना कहाँ तक सही है, ये तब जबकि पूरे देश ने देखा है कि 378 दिनों तक, चाहे वो जाड़ा का समय रहा हो, गर्मी का समय रहा हो, बरसात का समय रहा हो, हज़ारों की संख्या में विशेषकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली के मुहाने पर बैठे रहे, उनके साथ किस तरह का बर्ताव हुआ ये पूरे देश ने देखा है। और इन किसानों में मुझे कहने में कोई परहेज नहीं कि बहुत बड़ी संख्या जाट समाज की रही है। क्या उस वक्त भारतीय किसानों का अपमान नहीं हुआ, जाट समाज का अपमान नहीं हुआ, जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग मरे हैं वहाँ उस आंदोलन में? पूरे देश ने देखा है महीनों तक ओलंपियन पहलवान दिल्ली में बैठे रहे, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी ये पूरे देश ने देखा है। और दिनांक 21 12 को तो और दुखदायी घटना घटी कि ओलंपियन साक्षी मलिक ने घोषणा कर दी कि अब वो कुश्ती से संन्यास लेती हैं। ये जो बेटियां हैं
जिन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया था तत्कालीन कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर। ये भी मैं समझता हूं कि शायद जाट समाज से ही आती। तो इस तरह से विवाद को इस तरह से पैदा करना किसी भी तरह से देश हित में नहीं हो सकता है। जब कांग्रेस प्रेसिडेंट बाहर आकर कह रहे हैं कि यदि जाति से इतने बड़े बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति अगर जाति के अपमान से जोड़ने लगेंगे तो वे तो दलित हैं, श्री खड़गे साहब ने कहा कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता, तो क्या इसे पूरे देश के दलितों के अपमान से जोड़ा जाए। मैं देश हित में एक अनुरोध चाहूंगा कि बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों का दिल भी बड़ा होना चाहिए और इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए जिसे किसी संगठन के अपमान से, किसी जाति के अपमान से जोड़ा जाए या देश हित में नहीं कहा जा सकता। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।